बात चाहे शिक्षा की हो या पर्यावरण सुरक्षा की, बात युवाओं के भविष्य की हो या फिर चिकित्सा की, सामाजिक सरोकार के लिए सदैव समर्पित संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना बहरोड, सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव, साफ नियत नेक इरादे। लक्ष्य बहरोड क्षेत्र में शिक्षा की नई अलग जगाने का, GPS स्कूल भगवाड़ी, SC ST NTSC एवं ओलम्पियाड्स तथा कक्षा 11th के साथ फाउंडेशन, क्योंकि अब आपको मिलेगी कोटा की स्पेशल फैकल्टी। GPS स्कूल में RIMC सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राइस स्पोर्ट्स एवं नवोदय विद्यालय की विशेष तैयारी, एक्सेलेंट हॉस्टल फैसिलिटी, इतना ही नहीं क्षेत्र की एकमात्र शूटिंग एकेडमी। तो आज ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाए। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव, प्रिंसिपल योगेश शर्मा, नारनौल रोड, भगवाड़ी, बहरोड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक नेटवर्क, बदलते वक्त का आईना। मैं हूं देशराज यादव। वक्त हो चला आज की खास खबरों को जानने का, और खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर से। राठ के लाल ने किया कमाल, शहीद हरिराम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरदोपा में खिलाड़ी प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय में होनहार कुश्ती खिलाड़ी प्रवीण कुमार पुत्र अजीत सिंह उर्फ बबलू कल्याणपुरा को सम्मानित किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि प्रवीण कुमार लगातार कुश्ती प्रतियोगिताओं में अव्वल रहकर राठ क्षेत्र का नाम गौरवान्वित करते हुए आए हैं। प्रवीण कुमार कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं, जो हाल ही में आयोजित कोटा में कुश्ती की राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त कर प्रवीण ने राठ क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वहीं अजीत सिंह और बबलू कल्याणपुरा ने बताया कि प्रवीण दिन रात मेहनत कर अपने सपनों को साकार करने में लगा हुआ है, और इसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि नगेंद्र यादव ने भी होनहार विद्यार्थी का उत्साहवर्धन करते हुए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय स्टाफ सहित ग्रामीणों ने भी प्रवीण का व उनके पिता अजीत सिंह और बबलू कल्याणपुरा का फूलमाला में साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान प्रधानाचार्य सुनील कुमार, पवित्रा यादव, शिषपाल, महाराम, पतराम, अमृतलाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सब आशा रखता हूँ कि आने वाले समय में किसी भी कार्य से सब मेहनत करें अच्छे तरह से। प्रतिभा मेरे मम्मी पापा ने, मेरे गुरुजियों ने, सब ने साथ दिया मेरे मेडल के लिए, और मेरी प्रतिष्ठा अच्छी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद करवाए और सपोर्ट करने में मेडल के लिए वहाँ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आज हमारे सपोर्ट किया है, और गाँव वालों ने बहुत सपोर्ट। उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे गुरुजनों ने एक बार कहा था, मेरी याद है, कि हमारे स्कूल का बोर्ड के बाहर इतने नाम लिखे जाएं कि दोनों तरफ, दोनों गांवों की तरफ पहुंच जाए। तो हमने कहा था, गुरुजी आप इसी तरह प्रयास करते रहोगे तो एक दिन वो आएगा कि स्कूल के बाहर की दीवार भी कम पड़ जाएंगी। तो वो दिन मेरे याद है। और मैं जो जितने भी बच्चे हैं और भी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने जो काम किया, जो प्रतिभाएं प्राप्त की, उनको भी, और एग्जाम का समय है इसलिए उनको भी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, किसी भी प्रकार के किसी भी क्षेत्र में जो आगे जाता है वो परिवार का, गाँव का, स्कूल का नाम रोशन करता है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग, हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था, यूनिक गत 13 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित एकमात्र संस्थान। यूनिक का प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर बहरोड में IIT नीट की बेहतरीन तैयारी कोटा की टीम के साथ करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीम, कोटा से मॉड्यूल्स, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। तो आज ही अपने बच्चों का यूनिक में प्रवेश दिलाएं और उनके उज्जवल भविष्य में सहयोगी बने। भाजपा नेता मोहित यादव ने ओबीसी समाज के लोगों के साथ वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा की गई जातिगत टिप्पणी के विरोध में बहरोड हाईवे पुल के नीचे राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओबीसी समाज के लोगों से माफी मांगने की भी बात कही। मोहित यादव ने कहा कि जातिगत वर्णीकरण सामाजिक संतुलन की डिमांड रही है। हमारे संविधान में भी हर वर्ग का ख्याल रखते हुए सबकी जरूरत के मुताबिक विशेषाधिकार दिए गए हैं। आज समाज शिक्षा, तकनीकी और आधुनिकता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी जैसे लोग जो खुद को आधुनिक, शिक्षित और समझदार मानते हैं, वह इस तरह की टिप्पणी करने के कारण हम सबकी निंदा के पात्र बन गए, जिसकी भरपाई उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भी करनी होगी। राहुल गांधी का बयान
सभी ओबीसी समाज के लिए आपत्तिजनक एवं अमर्यादित है, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी से और ओबीसी समाज से वे माफी मांगने की मांग भी मोहित यादव ने की। इसके अलावा मोहित यादव ने बहरोड विधानसभा क्षेत्र के दैमी के महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया, वहीं होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। मोहित यादव ने शिक्षा को सामाजिक विकास का आईना बताते हुए अपने क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने, नकल पेपर लीक जैसे मामलों पर नकेल कसने का आश्वासन दिया। बाकी जो भी आप जैसा भी आदेश देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका जो रिजल्ट आ रहा है, जैसा प्रिंसिपल साहब ने बताया कि आपने जो मेहनत की उसका रिजल्ट आया और यहाँ पर सभी बच्चों ने अच्छी तरह अपनी परीक्षाएं पास की। अब आपके शहर बैरोड में खुल गया है डायमंड यूनिसेक्स ब्यूटी एंड नेल बार सैलून, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बैरोड। तब लेकर आया है लेडीज के साथ जेंट्स के लिए भी फुल ब्यूटी एंड हेयर सॉल्यूशन। यहां पर गर्ल्स एंड लेडीज के लिए मेकअप, पार्टी मेकअप, पेडिक्योर, मैनिक्योर, बॉडी मसाज, फेशियल, थ्रेडिंग, वैक्सिंग, हेयर कलर, लेटेस्ट हेयर कट, हेयर स्पा रीजनेबल चार्जेस पर किए जाते हैं, तो खुद को दीजिए खास लुक। साथ ही इंश्योरेंस पॉइंट, जहां हर प्रकार की गाड़ियों का इंश्योरेंस एवं हेल्थ पॉलिसी LIC की बेहतरीन पॉलिसी के लिए आज ही संपर्क करें। बैरोड से पूर्व विधायक रहे बलजीत यादव ने 14 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा क्षेत्र के तसिंग मोड़ से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान लोगों ने हस्ताक्षर कर सरकार से अपनी मांगों को पूरी करने पर बल दिया। वहीं बलजीत यादव ने राजस्थान में बेरोजगारी व किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए 14 सूत्रीय मांगों के लिए पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं और अब विधानसभा फ्लोर पर नहीं बल्कि सड़कों पर संघर्ष कर युवाओं की मांग को मनवाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। सियाराम डेंटल हॉस्पिटल अपोजिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, जहाँ हर प्रकार के दाँतों का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। दांतों से संबंधित जटिल से जटिल बीमारी का सफल इलाज, संपर्क करें प्रोफेसर डॉक्टर ऋषिदेव यादव MDS। आज के बुलेटिन में इतना ही। क्षेत्र की तमाम ताजतरीन खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए आप तक नेटवर्क के साथ।